न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात को कमीशन कर दिया है। भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में आईएनएस अरिघात के शामिल होने से चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई है। क्या है आईएनएस अरिघात की खासियत, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुश्मन का होगा संहार, समंदर में उतरा अरिघात, रेंज में बीजिंग और वुहान, अरिघात सर्वशक्तिमान। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देश की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। इससे पहले साल 2016 में स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को जंगी बेड़े में शामिल किया गया था। अरिघात शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। भारत की इस दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को विशाखापट्टनम शिपयार्ड में बनाया गया है। आईएनएस अरिघात समुद्र से 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इसके साथ ही इंडियन नेवी इस सबमरीन को 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल से भी लैस करी। समुद्र की सतह पर आईएनएस अरिघात की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जबकि समंदर की गहराई में अरिघात 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती है, जिसमें कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी दागा जा सकता है। आईएनएस अरिघात 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए बनी ऊर्जा से ऑपरेट होती है। इसलिए बैटरी चार्ज करने के लिए अरिघात को सतह पर आने की जरूरत ही नहीं है। और पटना के फतवा फोरलेन स्थित नारायणा के पास एक एम्बुलेंस में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि एम्बुलेंस में सवार सभी लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे, और इसी दौरान देखते ही देखते एम्बुलेंस जल गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पूर्णिया से एक बीमार बच्चे को लेकर ये एम्बुलेंस पटना की ओर आ रही थी। मेरा गाड़ी साइरन बजाते हुए आ रहे थे, कोई लोगों ने हमको हाथ दिया, वो जो ऐसे ऐसे गाड़ी रोक, भी गाड़ी रोक दिया, हम भी गाड़ी रोक दिए। हम बोले क्या, वो तो बोला कि गाड़ी में आपका धुआं निकल रहा है। गाड़ी में से निकले, स्टेशन को उठा के एक एम्बुलेंस वाला पीछे से आ रहा था, उसको शिफ्ट करा दिए। शिफ्ट कराए तब तक गाड़ी में पूरा अंदर से आग पकड़ लिया। और खबर रोहतास से, जहां के रोहित ने अंतरिक्ष विषयक विशेष परीक्षा में टॉप किया है। ये परीक्षा स्पेस दिवस के मौके पर देश भर में आयोजित की गई थी, जिसे बायोमिक्स स्पेस ने आयोजित किया था। बिहार के इकलौते परीक्षा केंद्र तिलौथू में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 106 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रोहित कुमार की इस सफलता से उनके माता पिता बहुत खुश हैं। रोहित के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और रोहित ने न केवल अपने जिले का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे बिहार का नाम ऊंचा किया है। बहुत अच्छा रहा, इसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने हमें पढ़ाया और इस योग्य बनाया। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ताकि और मैं बच्चों को प्रेरित कर सकूं और उन्हें पढ़ा कर इस स्तर पर ला सकूं। देश में 64 केंद्रों पर जो एग्जाम हुआ, लगभग 8800 छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभागी भाग लिए, उसमें सिंगल बच्चा जो रोहित कुमार है मेरे विद्यालय से देश का टॉपर बना है, इसलिए मैं इसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर टीचर सहयोग करे और हमारा प्रशासन सहयोग करे तो हर बच्चा ऊंचाइयां छू सकता है। बस थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है और पेरेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। और बड़ी खबर मधेपुरा से आपको बताएं, जहां सगे भाई ने अपने ही दो भाइयों पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र के भीरखी का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता बालेश्वर भगत के चार बेटों में तीसरे बेटे राहुल कुमार ने पहले तो अपने बड़े भाई को दुकान में घुसकर गोली मारी, जिसके बाद घर पर अपने दूसरे भाई आनंद कुमार पर गोलियां बरसा दी। आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया।
उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग कोर्ट से आए 10 सिंकू भाजी से 10 मिनट पहले हम लोग आए तो घर में बरंदा में बैठे हुए थे हम लोग और 10-15 मिनट के बाद गाड़ी आई सिंकू भाजी का तो आवाज़ सुने तो जब तक मैं आवाज़ सुने गाड़ी बंद किए तो हो बाप हो का आवाज़ आया तो हम लोग जैसे निकले देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था, सब ठो भागा हुआ था। तब देखे तो गोली लगा हुआ है। बालेश्वर भगत है उनके बेटे आपस में विवाद के चलते गोली चली है। इसमें 3 बेटे हैं, उसमें बड़ा वाला बेटा और मझला बेटा है, इसको गोली लगी है। मझले बेटे की मृत्यु हो गई है और जो बड़ा बेटा है वो इंजर्ड है, इसको रेफर कर दिया गया है। और जिसने गोली मारी है राहुल कुमार है, वो आपसी घरेलू विवाद था, उस कारण उन्होंने गोली मारा है और प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हमने गोली मारा है। अरेस्टिंग हो गई उनकी? अरेस्टिंग जो है गोली मारा है उसकी अरेस्टिंग हो गई। और अगली खबर सिवान से, जहां महावीरी अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर बवाल मच गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। पूरी घटना निर्धारित रास्ते से अखाड़ा को लेकर जाने से जुड़ी हुई है। तय रूट और तय नियम के तहत अखाड़ा निकालने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने ईंट से हमला बोल दिया। इस दौरान प्रशासन की एक गाड़ी को भी जला दिया गया। हमले में 2 जवान को हल्की चोट आई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव की ये घटना है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं और हालात का जायजा भी लिया। गांव में पुलिस टीम कैंप कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। डीएम ने हालात को कंट्रोल में बताया है, वहीं एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। और न्यूज 18 की खबर पर बड़ी मुहर लग गई है। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का रिजल्ट। कुल मिलाकर 463 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हो गए। सभी सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार की तिथि भी जल्द जारी कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। कुल 463 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। साक्षात्कार की तिथि भी जल्द जारी होने की बात कही जा रही है। जल्द ही इंटरव्यू की तिथि भी जारी कर दी जाएगी। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी का खाता फ्रीज हो गया है। रांची सिविल कोर्ट के आदेश से एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया। धुरवा स्थित एसबीआई में खाता को फ्रीज किया गया। यूपी की कंपनी को भुगतान नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कंपनी को एचईसी की ओर से 25 लाख रुपए पे करना है, भुगतान करना है। कंपनी ने एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।